BSNL का 5G सिम काफी सस्ते प्राइस में आपको डेटा पैक अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह मिल रहा है कंपेयर टू अभी जियो एयरटेल वोडाफोन के, जो कि हाल ही में 3 जुलाई के बाद जियो वोडाफोन आइडिया में काफी ज्यादा क्या है रिचार्ज प्लान इंक्रीज हो चुका है। वैसे में मैंने रिसेंटली ये BSNL सिम परचेस किया है, तो ए टू जेड में बताऊंगा BSNL सिम परचेस करने के बारे में किस तरह से आप ऑफर मिलेंगे, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, आपके एरिया में नेटवर्क वगैरह कैसे रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली कर देना यार। पहले मैंने यहाँ पे BSNL जो सिम लिया है वो मैंने पोर्ट किया है, तो यहाँ पे आइडिया वोडाफोन एंड एयरटेल किसी ना किसी कंपनी से मैंने पोर्ट किया है। आप लोग गेस करना कौन सा कंपनी से मैंने पोर्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मुद्दे पे आते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ 50 से 60 रुपया में ये सिम मैंने पोर्ट कर लिया है। यहाँ पे हल्का सा फुटेज देखो तो मैंने यहाँ पे BSNL ऑफिस में जाके पोर्ट किया है, जिसकी वजह से वीडियो करना अलाउड नहीं था तो हल्का सा मैंने फुटेज लिया है। अगर यही सेम चीज अगर मैं दूसरा जगह पे होता जो बाहर छतरी वाला, तो मैं वहां से इंटरव्यू वगैरह ले सकता था, बार ये ऑफिस है तो यहाँ पे वीडियो कॉल अलाउड नहीं है। मैंने ये सिम पोर्ट किया है। अगर आप न्यू सिम लेना चाहते तो क्या क्या ऑफर है, कितना प्राइस लगेगा, उसके बारे में डिटेल्स में बता रहा हूँ। यहाँ पे सिम पोर्ट करना तो बहुत ही आसान है। काफी लोग बोलेंगे कैसे क्या करना है, तो पोर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है यार, जियो एयरटेल वोडाफोन जो भी होते हैं पोर्ट वैसे ही है। यहाँ पे आपको आपका एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, बस यही चीज है और कुछ। यहाँ पे न्यू सिम लेंगे तो आपको क्या क्या ऑफर दिया जा रहा है, तो मैंने जब वहां पे सिम पोर्ट करने के लिए गया तो ऑफर के बारे में पूछा कि न्यू सिम लेने पर क्या क्या ऑफर है, तो कुछ चीजें वहां पे बताया गया। वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है जो मुझे बताया गया वो मैं बता रहा हूँ। वहां पे बताया गया है सबसे पहले आपको 249 का रिचार्ज पे वहां पे दिया जा रहा है ऑफर के तौर। अगर आप लोग 249 का रिचार्ज पे करते हैं जहां पे 2 GB पर डे मिलेंगे अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS पे, जिसका वैलिडिटी है यहाँ पे 45 डेज, तो ये आपको रिचार्ज करना है और आपको वो सिम के साथ एक्टिव करके दे देंगे। ये वाला प्लान आपको दिया जा रहा है ज्यादातर लोगों के साथ। साथ साथ आपको ये वाला प्लान भी मिल रहा है कि 108 रुपया का वो क्या 2 GB करके पर डे 28 दिन करके अनलिमिटेड कॉलिंग, लेकिन उसमें SMS नहीं है। ये वाला मुझे दिया गया था और स्पेशली मैंने पोर्ट किया इसलिए। तो ये रहा बेसिकली मेरा BSNL सिम परचेस करने का जर्नी। तो अभी नेटवर्क की बात करें, मैं जैसे यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5G सिम लिखा है, तो क्या 5G यूज हो रहा है? नहीं, 5G बिल्कुल ही यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लोग BSNL सिम चला रहे हैं उनको पता है। आप लोग कमेंट करके बता देना 5G यूज नहीं हो रहा है, इसमें 5G क्यों लिखा पता है? इसका भी रीजन मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा अभी फिलहाल 3G चल रहा है, फिलहाल अभी BSNL में 3G चल रहा है और 4G एंड 5G आने वाला है, इसलिए यहाँ पे 5G लिखा है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे रतन टाटा सर का जो कंपनी है TCS, उसके साथ कोलैब किया है ये जो BSNL कंपनी। अभी TCS ने ये किया है इस BSNL कंपनी को 4G एंड 5G नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए ये मार्च किया है, तो अपकमिंग आपको 4G एंड 5G देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हम सभी भरोसा करते हैं रतन टाटा सर की जो कंपनी के ऊपर, तो फ्यूचर में 4G एंड 5G देखने को मिल जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे 5G का लोगो लॉन्च किया गया है BSNL पे। ठीक है, तो यही रीजन है BSNL में 5G या सिम में लिखने का, लेकिन एक्चुअल में 3G चल रहा है। नेटवर्क की बात करें तो आपके एरिया में BSNL नेटवर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं एक ट्रिक्स छोटा सा ट्रिक्स दे रहा हूँ, ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो आसपास में अगर आप लोग होटल ढूंढते हैं तो क्या करते हैं, गूगल मैप में आप सर्च करते हैं कि नियरेस्ट आपका जो एरिया में क्या क्या होटल है, तो लोकेशन दिखाता है कि 2 किमी के अंदर ये होटल है, 1 किमी के अंदर ये होटल। सेम वैसे आपका एरिया में आपको भी ऐसे ही गूगल में सर्च करना है कि आपका नियरेस्ट जो लोकेशन उसकी में कौन कौन सा क्या है BSNL नेटवर्क है, वो डिस्टेंस कितना है। अगर दिखा रहा है कि 1 किमी के अंदर 2 किमी के अंदर, देन आप ऑब्वियसली BSNL सिम यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर दिखा रहा है कि 20, 25 या 30 किमी के डिफरेंस में एक एक है, तो ना ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप सिम लोगे नेटवर्क नहीं चलेगा तो क्या करोगे। तो ये चीज कोई नहीं बताएगा जो कि मैं बता रहा हूँ। इस तरह से आप गूगल में सर्च करो अपना लोकेशन के हिसाब से कितना डिस्टेंस में है।
सो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तो आप में से कितना लोग जियो एयरटेल वोडाफोन को छोड़कर बीएसएनएल में आना चाहते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं तो कर दिया हूँ, आप में से कितना लोग आना चाहते हैं फटाफट से कमेंट करो। साथियों के साथ चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही, सी यू सून।